हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल घुमक्कड़ पहाड़ी पर। जैसे कि आज की जो वीडियो है ये ऑफ रोड और स्नो राइडिंग वाली है, जिसमें कि बहुत सारा स्नो है रोड पे और रोड लगभग ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं तो अभी हम इसमें रोडू से रामपुर जाओ जाना है, पर हम जाएंगे इसमें वाया बागल, जो कि अच्छा रोडू में है। जूगल से ऊपर से जा करके वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ पड़ती है, चार चार पाँच पाँच फीट कम से कम बर्फ पड़ी हुई है और रोड में काफ़ी ज़्यादा बर्फ जमी हुई है, जिससे कि गाड़ी से खेलना बड़ी कर जाता है। तो आपको इसमें गाड़ी काफ़ी सोच समझ चलानी चाहिए, जिसमें कि आप गाड़ी को लाइट घेर में रख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट में भी ज़्यादा थोड़ा सा रखेंगे तो स्किट होने का डर रहता है, तो सेकंड गियर में आप उसको बिना ब्रेक के आराम से चलना चाहिए, गाड़ी कहीं नहीं जाएगी और बढ़िया अच्छे से चलेगी। और जैसे कि अभी आप देखते हैं कहीं बर्फ है कहीं नहीं है, क्योंकि जो सनी एरिया है वहाँ तो पिघल रही है बर्फ, जो जैसे बैक साइड है जहाँ पर मतलब ब्रेक नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ जमी हुई है, जिससे कि गाड़ी का समय का डर रहता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और ये हमारी गाड़ी की फोर बाई फोर है, नहीं जो कि कहीं फंसे जो निकल जाए, ये बस जो ड्राइविंग स्किल है, जिसमें कि आप गाड़ी को आराम से चलाओ, ज़्यादा ओवर रेस नहीं करनी की गाड़ी में, तो ज़्यादा स्पीड करके गाड़ी बाइक स्पीड में ही गाड़ी को जाने दो, गाड़ी बढ़िया चलिए चलनी जाएगी, काफ़ी बर्फ है जिसमें गाड़ी टूरिए धीरे धीरे। और जैसे कि आप देखेंगे अभी हम इसमें कोट खाई की तरफ को चले हुए हैं खड़ा पत्थर से, तो कोट खाई के बाद हम आगे रोड साफ़ होगा तो वहाँ की हम वीडियो नहीं बनाएंगे, फिर हम ठियोग पहुँचेंगे, वहीं से ठियोग की भी हमने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि ये ऑफ रोड ही बनाई है सिर्फ, जिसमें कि स्नो पर ही हमारे को जाना है। फिर हम वहाँ से ठियोग होते हुए धीरे 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 आगे हमारा एरिया आ जाता है मतियाना, मतियाना के बाद आएगा हमारा नारकंडा, तो हम उस वाली साइड से ही जाएंगे। तो खड़ा पत्थर टू कोटखाई काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ रहती है रोड में और रिस्की भी काफ़ी रहता है ये, जैसे कि अचानक कोई बर्फ़ पड़ जाए तो मैक्सिमम रोड बंद हो ही जाता है, जैसे बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाए तो चाहे वो थोड़ी ही पड़े पर बंद हो जाता है, क्योंकि स्लिपरी हो जाता है रोड और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको गाड़ी को आराम से ही एक लिमिटेड स्पीड में लेकर के चलना है। और अभी हम ये नारकंडा पहुंच गए, यहाँ पर रोड बंद ही था, गाड़ियाँ चल नहीं रही थी, शायद कुछ एक गाड़ियाँ आगे गई होगी जिसमें कि शायद कोई बड़ी गाड़ी लग रही है, क्योंकि रोड के निशान काफ़ी, टायर के जो निशान है रोड पे काफ़ी चौड़े हैं और जैसे कि बर्फ़ भी पड़ी रही है, अभी इसमें दिख नहीं रही है प्रॉपर, पतली पतली रूहें से आ रहे हैं बर्फ़ के, और पूरा रोड ये तो जमा हुआ है, इसमें तो बहुत ही स्लिपरी और उतराई में गाड़ी हल्की सी ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी घूम जाएगी। तो आपको इसमें हद तक कोशिश करनी है कि आप सेकंड, तो आपको गाड़ी हद जहाँ मतलब ठीक लगता है, सीधा सीधा रास्ता है, मतलब ज़्यादा उतराई नहीं, तो आप वहाँ दूसरे गियर में ही चलाएं, और जहाँ ज़्यादा ही डीप है वहाँ पहले ही आप एडवांस में पहला डाल दें, पहला गियर फर्स्ट, क्योंकि पहला सबसे हैवी गियर होता है, उसमें एक्सीलेटर ना ही देने की उतराई में तो वैसे ही गाड़ी को चल पड़ती है, जैसे ही गाड़ी चल रही होगी आपके आराम आराम से उसको जाने दें, और हो सके तो बहुत ही कम ब्रेकों का आप इस्तेमाल करें। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी ज़्यादा ही स्किड कर रही है या फिर ज़्यादा ही घूम रही है इधर, तो हो सकता है तो टायर के आप हवा कम रखें करके सभी टायरों के, और आराम से ही चलें, जहाँ आपको ठीक लगता है वहाँ पर तीसरा गियर भी डाल सकते हैं कि सीधा है, आपकी गाड़ी आराम से चलेगी। और जैसे कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं आप, उसमें स्पीड भी मेरी ठीक है क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है रोड में चलने का, बर्फ़ में कैसे चला जाए, और आप मेरे को बता सकते हो कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और शेयर करो अगर आपको अच्छी लगी, और इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और अच्छी अच्छी जगह घुमाऊँगा, जो कि आप घूमने आते हो हिमाचल तो आपको पता नहीं होते, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर बहुत ही कम लोगों को पता होता है घूमने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी जगह होती हैं, तो मैं आपको ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर करूँगा जो आपने कभी देखा ना हो, अनएक्सप्लोर जो हद तक नहीं देखी होती गई है, तो आपको ऐसी जगहें दिखाएंगे। ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और
आप किसी को शेयर कीजिए। धन्यवाद जय शंकर की।